मातरम। आज का विषय है सरकार को जो प्रमुखता से कदम उठाने चाहिए वे कौन कौन से बिंदु हैं। सर्वप्रथम सरकारी कार्यालयों में कार्य की गतिविधि बढ़नी चाहिए, आगंतुओं के बैठने के लिए और शौच आदि के लिए स्वच्छ वातावरण होना चाहिए ताकि स्वच्छ भारत का कार्य आगे चल सके। सभी राज्यों के बॉर्डर पर पूरे प्रदेशों का उत्पादन मार्केट के रूप में उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी प्रदेश से कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्यटक प्रवेश करे तो प्रदेश की सारी उत्पादन क्षमता प्रदर्शन बॉर्डर पे उपलब्ध हो। नंबर तीन करुण आश्रम, जहां भारत का नाम भारत रखा गया उस स्थान का जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरीके से मद भागवत कथा जो एक अध्ययन का शास्त्र है और जिसको पहली बार सुपतीर्थ गंगा तट पर वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, उस सुखतीर्थ का जीर्णोद्धार हरिद्वार से जोड़ के अति आवश्यक है। भ्रष्टाचार की जो हम बात करते हैं जिसपे मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की पूरी पकड़ है, उस पे और ज्यादा पकड़ की जरूरत है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने काम के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार अपनी शिक्षा के अनुसार इस देश के नेतृत्व में अपनी भागीदारी तय कर सके। नेटवर्क जो मोबाइल का नेटवर्क है और जो मोबाइल के नेट का नेटवर्क है वो हर जगह ट्रेन में हवाई जहाज में रोड पे जंगलों में फैक्ट्रियों में और दूर दराज में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यही एक ऐसा संसाधन है अब कि हम नेट के माध्यम से स्वयं को पूरे विश्व से सरकार को पूरे विश्व से और विश्व को स्वयं से और सरकार से जोड़ के फायदा उठा सकते हैं। अल्पसंख्यकों का जो मुस्लिम समाज है जिसको मोदी जी ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद एक महत्ता दी है, उनको भी इस देश के डेवलपमेंट के लिए मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उन्हीं के माध्यम से धारा 370 हटवाई जाए, उन्हीं के माध्यम से हमारे पूजनीय राम जन्मभूमि पे मुस्लिम समाज के लोग ही अग्रिमता करके राम जन्मभूमि पे भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने में कार सेवक के रूप में काम करें। रेल रोड मार्ग की तरह समुद्र मार्ग भी हवाई मार्ग भी खुल जाने चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत बिल्कुल भी इस देश में न रहे। हमारी जो युवा शक्ति है 65% की लगभग, उसको काम शक्ति के रूप में प्रयोग करा जाए, जैसे हमने आईटी में करा, जैसे हमने योग के माध्यम से करा और जैसे हमने और विभिन्न क्षेत्रों में करा, ताकि जो हमारे युवा विदेश में जाके अमेरिका में जाके लंदन में जाके काम करते हैं वो वापस भारत आ जाए और भारत के चौमुखी विकास में डेवलपमेंट दे सके। आरएसएस और मिलिट्री की तरह हम सब लोग काम करें, देशभक्त बन के काम करें, ओजस्वी बन के काम करें। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के माध्यम से हम 30-40% बिजली आसानी से बचा सकते हैं। उसके लिए सरकार को एक मच्छर मारो अभियान चलाना सुनिश्चित करना होगा, जैसे विभिन्न जगहों पे मच्छर मारो अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाता है तो उन जगहों पे भी चलाया जाना चाहिए जहां पे मच्छर मारो अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं। चार धाम
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री को तीर्थ स्थल के साथ साथ आध्यात्म स्थल, पर्यटन केंद्र और विश्व के उन महत्वपूर्ण स्थानों की तरह डेवलप्ड कर दिया जाना चाहिए जो विश्व के सर्वोत्तम टूरिस्ट पैलेसेस कहलाए जाते हैं। इससे हमें जहां टूरिज्म बढ़ेगा, जहां अध्यात्म बढ़ेगा, जहां धार्मिकता बढ़ेगी, वहीं पे ही ऑल वेदर रोड के माध्यम से हमारे देश का चौमुखी विकास होगा। नेताओं के अंदर जो भ्रष्टाचार की आदत बनी हुई है पिछले लंबे समय से, उसको हम बदल के काम करने की क्षमता में बदले, ताकि मोदी जी की तरह नेता हमारे काम करें, योगी जी की तरह काम करें, सरदार पटेल की तरह काम करें, महात्मा गांधी की तरह काम करें, सुभाष चंद्र बोस की तरह काम करें, ताकि ये देश विकास करे। और जो श्रावण मास में हरिद्वार से कांवड़ लेके हमारे कांवड़िया देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके इंश्योरेंस के लिए अब सरकार को कांवड़ आयोग अवश्य बना देना चाहिए। धर्म के नाम पे जो अधर्म होता है, वो किसी भी धर्म में होता हो, उस पे सरकार को तत्काल पकड़ करनी चाहिए और ऐसा इलाज करना चाहिए ताकि अधर्म करने वाले व्यक्ति धर्म की आड़ में कभी भी कोई अधर्म ना कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस योजना को, जिससे बाढ़ के समय में जो पानी का दुरुपयोग हो जाता है, हमारे भारतीय लोगों को दिक्कत होती है, उस दिक्कत को खत्म करने के लिए सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि जहां पानी कम है और जहां पानी ज्यादा है, उन दोनों का समावेश बना के पानी को समान कर दिया जाए, ताकि सब लोग पानी का सदुपयोग कर सकें। शिक्षा नीति ऐसी हो ताकि गरीब का बच्चा भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके और शिक्षा ग्रहण करके इस देश के उच्च पदों तक आसानी से जा सके। स्वस्थ नीति भी ऐसी हो ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसकी झोपड़ी में जाके सरकार के डॉक्टर, सरकार के मेडिकल की सुविधा उसकी झोपड़ी में उपलब्ध हो, ताकि उसको जो सुख मिलना चाहिए सरकार का, उसको उसके द्वार पे मिलता रहे। और जहां तक बात है योगी आदित्यनाथ जी की, तो मेरे लिए तो क्या पूरे देश के लिए गर्व की बात है, ऐसे शासक मोदी जी को छांट लेना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ जी की तरह काम करते हो और इस देश से गुंडागर्दी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास को मिटाने में पूरी प्राथमिकता के साथ काम करते हो। सरकारी मशीनरी को भी वो जागरूक रखते हो और 18 घंटे काम करने की क्षमता का सदुपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी को एक ही प्रेरणा देती हो कि हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो भारत विश्व शक्ति बनेगा, और भारत विश्व शक्ति बनेगा तो ये तिरंगा पूरे विश्व में 24 घंटे लहराता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम।